हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और गणेश चतुर्थी के बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सो आज है गणेश चतुर्थी, कल थी तीज, और तीज का व्लॉग आपने देखा है कि नहीं देखा, देख लीजिए, बिकॉज उसके कंटिन्यू। हाँ चलिए, मेरे गणेश जी आ गए, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। हमारे गणेश स्थापना हो गई जैसा कि आपने देखा, और मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो अगर आपने मेरा तीज वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसके कंटिन्यूएशन में ये है। तो खाना वगैरह सब बना लिया है मैंने, तीज व्लॉग में दिखाया था कि क्या क्या बनाया। तो अब भगवान की स्थापना हो गई, अब बस मैं भी मेरा तीज का फास्ट खोलूंगी, और बस आप लोगों की गणेश चतुर्थी कैसी जा रही है, क्या क्या किया आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने ये जो आज सूट पहना है ना, ये आई थिंक मैंने 2018 में लिया था, बिग बाज़ार से लिया था मैंने, और काफ़ी लूज़ है मुझे, बट मुझे आज बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे ये पहनने। मुझे इतने ही लूज़ कुर्ते वगैरह अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ में दुपट्टा था, बट लेगी मैंने पैर अप करके पहना है, दिखाती हूँ। गोल्डन कलर की ये लेगी पहनी है मैंने, सो ये है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, लूज लूज सा है। तो सो बस ये था, और चलिए ठीक है, अब मैं कुछ खा के अपना फास्ट तोड़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये थोड़े दिन बाद की क्लिप है। मैं मॉर्निंग में, जैसे कि बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल हो गए, डेली हम लोग मॉर्निंग में ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो अभी मैंने, अब मैंने क्या, हम सब ने अभी ये वॉलनट भी खाना स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली 5-5 आलमंड्स हम दोनों खाते हैं, और टिमटिम 2 या 3 खाती है। तो अपने वेट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, या फिर आपकी एज जितनी है उसके अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। ओवर ईटिंग भी अच्छी बात नहीं होती है। तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक वो खाने के बाद में, अब मैं
ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मूंग दाल ली थी बिना छिलके वाली, ओवरनाइट उसको और थोड़े से चावल को भिगोया था। लाइक आप बोल सकते हैं कि एक कटोरी अगर मूंग दाल ली होगी तो उसमें मैंने 1/4 कटोरी सिर्फ चावल लिया था भिगो करके, फिर सुबह अच्छे से पीस लिया है एंड सॉल्ट मिक्स कर लिया। तो इसका मैं डोसा बना रही हूँ और चटनी में बना रही हूँ टमाटर की, प्याज की, लाल मिर्च और उसमें थोड़ा सा मैं इमली और नारियल का बूरा ये ऐड करूँगी, तो इसकी चटनी बन जाएगी। वही मैं आपको इसके पहले वाले क्लिप में दिखा रही थी। तो यहाँ पर मेरा ये डोसा बन रहा है, ऑफकोर्स ये एकदम पतला वाला नहीं बना मेरा, बट ठीक है, फिर भी ठीक ठाक बना था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच ये डोसा होता है क्योंकि इसमें चावल कम और दाल जो है वो ज़्यादा होता है, तो अच्छा था ओवरऑल टेस्ट और हेल्थ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी हेल्दी हो। क्या पढ़ रही हो आप? जस्ट नाउ मैंने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने वही आपको दिखाया जो मैंने दाल, बेसिकली वो मूंग की दाल और थोड़ा सा चावल यूज़ किया था मैंने, तो उसका ही मैंने डोसा टाइप बनाया था एंड टमेटो की चटनी। सो मोस्टली मैं वैसे पीनट की चटनी बनाती हूँ, बट आज टमाटो को इसलिए बनाई क्योंकि पीनट से ना बहुत गैस हो जाती है, तो इसलिए आज मैंने टमेटो की चटनी बनाई। और पता है मैंने ना एक कास्ट आयरन का बहुत अच्छा तवा लेकर के रखा हुआ है अमेज़ॉन से, आई थिंक 2-3 महीने हो गए होंगे। बहुत हैवी है, मेरे ख्याल से वो 2-3 किलो का एक तवा होगा, बड़ा सा तवा है। तो आई थिंक कास्ट आयरन के तवे वगैरह में थोड़ी सीजनिंग करनी होती है, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। मैंने नॉर्मल तेल लगा करके अभी जावरा जाने से थोड़े टाइम पहले की बात है मैंने बनाया था डोसा, वो पूरा चिपक गया, ख़राब हो गया। तो मैं इतना डर गई उसके बाद से उस तवे को यूज़ करने में कि मैंने आज वापस से नॉन स्टिक में ही बना लिया। अभी मैं देखती हूँ थोड़ा एक बार वापस से उसमें सीजनिंग करके फिर एक बार ट्राई करूँगी कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है। आप लोग अगर कास्ट आयरन के तवे यूज़ करते हैं तो मुझे थोड़ा सा सजेशन देना कि उसकी सीजनिंग करनी कैसे है। कोई ऐसा एग्जैक्ट एक्यूरेट वीडियो होगा यूट्यूब में तो मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में वो प्रॉपर वे है जिससे कि कास्ट आयरन का जो तवा होता है उसकी सीजनिंग करते हैं तो चिपकता नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड मैंने उस दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन आप लोगों से बात करी थी और फिर खाना वाना खाकर जो सोए, तो उस दिन तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो करती। और फिर पता उसके बाद से ना मेरी पीछे बैक में, मतलब ये गर्दन के जस्ट थोड़ा नीचे इतना पेन, जैसे कोई नस चढ़ जाती है ना वैसा वाला खतरनाक पेन हो रहा है। तो अभी भी मैं ये वाटर बैग लेकर ही बैठी थी, स्प्रे भी कर रही हूँ मूव का, थोड़ी बहुत मालिश भी करवा रही हूँ और इससे भी अब आज से इससे सेकना स्टार्ट किया है। इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं मोस्टली अपनी जो हेड है ना उसको नीचे ही करके रखती हूँ। ये मोबाइल का वेट भी मुझे उठाया नहीं जा रहा है हाथों में, इतना पेन ये वाला जो पोर्शन है ना ये बहुत ही पेन हो रहा है। तो अभी मैं वापस से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड फिर आज मैंने सोचा है लंच में बनाऊँगी मशरूम मटर की सब्ज़ी और राइस और रोटी, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में रेसिपी। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मैंने एक्चुअली बहुत दिन से वीडियोस भी शूट नहीं करे हैं, तो वही मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू तो करूँ ताकि ये व्लॉग जा पाए। एंड फिर अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, कोशिश करूँगी मैं कि मैं डेली व्लॉग्स भी दूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं। बट यार मैं भी क्या करूँ, कभी हेल्थ अच्छी होती है कभी अच्छी नहीं होती है, बस ऐसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से। तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ फिर मिलती हूँ। सो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप डेली जितना ऑयल लेते हैं उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना है इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी, सबसे क्विक एंड सुपर टेस्टी रेसिपी थी। तो डेली आप जितना ऑयल लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ऑयल लें। एंड उसके अलावा आपको इंग्रेडिएंट लगेंगे, यहाँ पे 2 प्याज लिया है मैंने, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा मटर, देन लहसुन अदरक को क्रश कर लिया है, मसाले में मैंने लिया है धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, इसके अलावा नमक लेना है एंड ऑफकोर्स मशरूम। मशरूम थोड़े से डार्क हो गए बिकॉज मैंने बहुत देर से इनको छील करके रखा था तो उनका कलर जो है वो डार्क हो गया है। सो जैसे ऑयल गरम हो जाएगा हमें इसमें डालना है जीरा। इसके बाद में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपको दिखाए सारे के सारे एक साथ
कढ़ाई में डाल दो। कोई स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं कि पहले प्याज भुने, मिर्ची भुने, फिर अदरक लहसुन, ऐसा नहीं। जितनी चीज़ें, जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, सारे के सारे एक साथ इस कढ़ाई में डाल दें। कोशिश करें थोड़ी मोटी कढ़ाई लें। और ये रेसिपी मैंने यूट्यूब में ही देखा था, आई थिंक भारत्स किचन है उस चैनल का नेम, तो उसमें ही देखा था। और मुझे एक्चुअल में बिलीव नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा ये जो पर्टिकुलर सब्ज़ी है ये। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिए एंड फिर इन इंग्रेडिएंट्स को रफली मिक्स करना है। थोड़ा सा, मतलब आधे ग्लास से थोड़ा कम पानी डालना है एंड आपको इसको अच्छे से कवर करके ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए पकने देना है। और कोशिश करना है कि आप ऐसे कंटेनर में ही बनाएं जिसका लिड आपके पास प्रॉपर हो, जिसमें से स्टीम ना निकले, ताकि वो स्टीम के प्रेशर में ये जो सब्ज़ी है ये अच्छे से पके। तो देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके रफली बस मिक्स कर लिया। ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल दिया एंड बस उसके बाद में इसको मैं एक थाली से कवर करके ऊपर पानी वाली एक कंटेनर रख दूँगी, ताकि जो स्टीम है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, अंदर स्टीम के प्रेशर से ही ये जो सब्ज़ी है ये पक जाए। वैसे मशरूम पानी छोड़ता भी है, इसलिए थोड़ा कम पानी ही डाला मैंने। और ये देखिए, ये थाली से ढक दिया और ऊपर से मैंने ये ऐसा रख दिया। इसमें, उस रेसिपी में ये बताया था कि इसमें आपको गरम मसाले की जगह मटन मसाला यूज़ करना है, तो चूँकि मेरे पास मटन मसाला था नहीं, वैसे तो वेजिटेरियंस भी मटन मसाला ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो मसाला होता है, उसमें नॉनवेज तो डला होता नहीं है, बट मेरे पास में था नहीं तो मैंने गरम मसाला यूज़ किया था। अगर आपके पास में मटन मसाला होगा तो आप इस रेसिपी में मटन मसाला यूज़ करें। सो ये देखिए, अच्छा हो गया। मैंने 25 मिनट्स में ओपन करा तो बिल्कुल भी नीचे से पकड़ा नहीं है, लेकिन पानी जो है वो अच्छे से सूख गया है। और ऑयल डालने का ये फ़ायदा हुआ कि इसने नीचे से पकड़ा नहीं सब्ज़ी ने, ऑयल नहीं होता तो शायद ये पकड़ लेता। अब इसके बाद में अच्छे से थोड़ा इसको चलाना है, ताकि इसमें जो टमेटो और प्याज हमने डाला था वो और अच्छे से मैश हो जाए और जो ग्रेवी है वो हमें थोड़ी सी थिक मिले, अगर से ग्रेवी चाहिए तो। फिर अब इसमें मैंने वापस से थोड़ा पानी डाला क्योंकि मुझे राइस के साथ में खाना था। वैसे तो मैं सूखी सब्ज़ी राइस के साथ मज़े से खा लेती हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि थोड़ा पानी और डाल के इसको पका देते हैं। पानी डाल के जब इसमें अच्छा उबाल आ गया, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, वो मैं शूट करना भूल गई। तो यहाँ मेरी ये जो रेसिपी है मशरूम की, ये फिनिश हो रही है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी थी राइस के साथ भी एंड रोटी के साथ भी। और रेस्टोरेंट्स में जो सब्ज़ी मिलती है ना, उसको फेल कर दिया था इसने, बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। इस पर्टिकुलर व्लॉग को एक्चुअली मुझे ख़त्म करना था क्योंकि आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी हेल्थ इशूज़ की वजह से, बट नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।